को सावन महीने का इंतजार बेसब्री से रहता है। इस माह में भक्त अपने आराध्य शिव का पूजन करते हैं। सावन के पहले दिन से ही मंदिरों में भक्तों का आना शुरू हो जाता है। भक्त भोलेनाथ को खुश करने के लिए शिवलिंग पर उनका पसंदीदा धतूरा, भांग, बेलपत्र, फल फूल अर्पित कर उनका अभिषेक करते हैं। इस माह में भक्तों की भगवान शिव के प्रति और ज्यादा आस्था बढ़ जाती है। सुबह से ही मंदिरों में लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। सावन मास साल का पवित्र महीना माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बेहद ही खास होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सावन के हर सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान का पूजा करता है उसको मतलब जो भी इच्छा अपनी शक्ति होती है, मनोकामना होते हैं, वो लोग कहते हैं। और ये हम लोग शुरू से मानते आ रहे हैं कि सावन मास में एक पवित्र मास होता है और उसमें शिवजी शिवलिंग में मतलब वास करते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा लोग पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं कि सावन महीने में भगवान शिव शिवलिंग में निवास करते हैं और इसलिए भक्त अपने बाबा को खुश करने का ये मौका नहीं छोड़ते। सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसे सोमवार को ज़्यादा माना जाता है। सोमवार शंकर भगवान का दिन है और हर सोमवार को और दिन के पश्चात ज़्यादा मानता उसकी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था, इसलिए भी भगवान भोलेनाथ को ये मास अत्यधिक प्रिय है। महाकाल की नगरी उज्जैन में सावन मास का विशेष महत्व होता है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। भगवान शिव के भक्त सावन मास में विशेषकर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार जाते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे, आज सावन का फर्स्ट डे है और बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा है, सबको आना चाहिए यहाँ। सावन माह आने से पहले महाकाल मंदिर की साफ सफाई की जाती है और रंग रोगन किया जाता है। इस महीने में भक्तों का हुजूम भी बाबा के दरबार में नजर आता है। यूं तो पूरे सावन महीने को ही शुभ माना गया है, लेकिन इस बार सावन माह की शुरुआत एक नहीं बल्कि दो दो शुभ योग के साथ हो रही है। सावन के पहले दिन ही विषकुंभ और वृद्धि योग का संयोग बन रहा है और ज्योतिष के अनुसार ये दोनों ही योग बेहद शुभ माने गए हैं।